सही हो का गलत हो एकर फैसला पंचायत करी। डॉली तोहर राजा से का संबंध हो? राजा मेरी बहना का पति है। तू चुप रह, ई पंचायत हो, सवाल जकरा से कल जला जवाब भी उहे देला। डॉली जवाब द। मैं राजा की पत्नी हूँ। एकर का सबूत हो कि तू राजा के पत्नी हो? चेक लगी, ये है सबूत। राजा ये सब का सच बा? हाँ। डाली हमार पत्नी बड़ी। तो फिर ई के बा? इनका से हमार बिया भइल बा, लेकिन हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हम इनका के कबो अपन पत्नी नहीं मान ले, और ना ही कबो अपना पत्नी के दर्जा देले बने। हम अपने पत्नी के दर्जा सिर्फ डाली के देले बने। कुसुम अब तोहार का कहना हो। ई सच बात बा सरपंच जी, ई आज ले हमरा के अपन पत्नी ना मन ले, लेकिन हमरा मन मंदिर में पति के रूप में यह समाइल बाड़े। यही से जो ना चीज में इनकर खुशी बा, वही चीज में हमरो खुशी भी बा। डॉली अब तू का चाहता रू? मैं राजा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। दोनों पक्षों के बात सुनला के बाद पंचायत ए फैसला पर पहुंचल बा कि दीन दयाल के छोटका बेटा राजा दुगो शादी के अपराध कैले बा। बाकी पति के छत्र छाया से वंचित रहला के स्थिति में राजा के संपूर्ण चल और अचल संपत्ति मुआवजा के तौर पर कुसुम के दिहल जाता, जौना में राजा के जीतल 7 करोड़ रुपया भी शामिल हो। चूंकि राजा वो डॉली साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहल चाहता रे, ये खातिर राजा डॉली के सुपुर्द कइल जाता। अब डॉली राजा के लेके कहीं भी जाए ले स्वतंत्र बाड़ी। बहना बहना सुनो तो सही। भैया ये तो सारा पाशा ही उल्टा पड़ गया। सारी दौलत ले गई वो देहाती कुसुम, और मेरे हिस्से में आया मिट्टी का ढेर जाहिल गवार राजा। अब उसका क्या मैं अचार डालूं? बहना राजा साहिल गंवार जरूर है, पर वो मिट्टी का ढेर नहीं है। अरे वो तो हमारे लिए बेरर चेक है बहना, बेरर चेक। एक बार अकाउंट में अमाउंट शिफ्ट होने की देरी है, फिर देखना उसे हाथों हाथ में जाकर कैश कर लूंगा। नहीं भैया, मैं अभी जा रही हूँ और कह रही हूँ कि कुसुम को राजा दे दो और मुझे पैसे। बहना अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये राजा नाम का बोझ जिंदगी भर सर पे ढोना पड़ेगा। चिंता मत करो बहना, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, क्योंकि लकी का लक लकी के लक से भी 2 कदम आगे चलता है बहना। लकी ये सब छोड़ो, हा? पहले ये चल के देखो वो ओल्ड लेडी जिंदा है या मर गई। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। आओ बहना चलो। जाके सारा गेहूं कटवा लिया। बाबूजी हमरा के कृषि विभाग के ऑफिस जाए के बा, रहुआ एक काम करी घुंगरुआ के भेज दी। अरे घुंगरुआ बाजार गई बा। तो रहुआ चल जाए। अरे हमारा घुटना में इतना दर्द हो रहा बा, हम कैसे चल जाए? तब के जाए बाबूजी? अब हम कह डाली के जाए। बाबूजी हम चल जाए का?
ठीक बा, अगर तोरा जाए के मन बता तू जा सकेला। ठीक बा, जा तनी। सुना, पूरा खेत कटवा गया यहाँ, एने उन्ने घूमे मत चल रही है। हम लोग जाता नहीं किसी भी वक्त। कुसुम, अरे ये गोबर गोईठा पागल तू छोड़ा, जा जल्दी से खेत पे। देवर जी खेत पर गेलन गेहूं कटवावे, तू गतान लेके जा जल्दी। देवर जी से अकेले में मिले के ऐसे बढ़िया मौका तो के ना मिली। उत्साहरी हरवे में भी आ, का पता खेत का हरियाली देख के देवर जी भी तो कहरा भरा कर दे। जा जल्दी। अरे जे तू काल सुन लू सब झूठ रहे। अच्छा ये बतावा, जब आज तक हम कुसुम के छुअबे ना कहनी तो वो माई कैसे बन जाई? I don't believe you. हम सही कहता नहीं, तोरा के भड़कावे खातिर पूरा घर मिलके नाटक कैले बाड़े सा। हम सही कहता नहीं, प्लीज हमार विश्वास करो ना, प्लीज। माई तरकारी अच्छा बनल बा। यू जाहिल गवार नौटंकी, तू क्या समझती है? तेरे नाटक करने से राजा तेरा हो जाएगा। तुम उल्टी करोगी तो राजा के बच्चे की माँ बन जाओगी। तुम गांव की औरतें होती ऐसी हो, मुंह काला किसी और के साथ करती हो और बच्चे का बाप किसी और को बनाती हो। ऐ डाले, तू अपने जुबान पे लगाम दे, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे? अरे ते खड़ा वहां का करता रे। अरे जो ना कोख से हम तोरा के जन्म देली, सारी बिगड़े वही कोक के गारी देती है। हम गांव वालन के बच्चन का होती है और तोरा के कुछ बुझाते देखे चुपचाप खड़ा बड़े पगला गल बड़े का रे। डाली अपन कहल वापस ला और माई से माफी मांगा। माफी माई फट। यस, आओ दीनदयाल, दीनदयाल। अरे सब्धी जी, मत कह हमरा के सब्धी। तू हमार सब्धी ना, दुश्मन बड़ा दुश्मन। तू और तोहर बेटा हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद कर रहल बड़ा लोग। लेकिन याद रखा, हम तू लोगन के बर्बाद कर दे, फांसी पर चढ़ा दे पूरा खानदान के। बाबूजी, खबरदार, अगर एकरा आगे हमरा घर वालन के कुछ कहनी है तो हमरा परिवार के खिलाफ एगो शब्द भी कहे के आपके कोनो अधिकार ना हो। लेकिन बेटी, ये लोग तोहरा साथे विश्वासघात के ले बा, और तुहारी पति अपन दूसर शादी कह के तुहार दुनिया उजाड़ रहल बा, और तू कहता हो कि हम चुप रहे। ये हमरे घर के आपसी मामला है बाबूजी, और हमन के आपसी मामला के बीच में आपके दखल अंदाजी देवे के कोनो जरूरत ना हो। बाकी कुसुम बेटी, हम कोनो गैर ना, तो हर बाबूजी हैं। हाँ बाबूजी, आप हमार बाबूजी हैं। लेकिन जे दिन आप हमार कन्यादान का देनी, वही दिन से हम ये घर के बहू हो गए नी बाबूजी। हमार सास ससुर हमके बहू ना अपन बेटी जैसन माने ले। बाबूजी, हमार ई बाबूजी हमके कबो आपके कमी ना महसूस होके दे ले। हमार जेठ जी हमेशा एगो बड़ भाई होके के फर्ज निभावलन, और जेठानी जी हमके अपन छोट बहिन मानेली बाबूजी।
अब रह गई बात पति के, तई जान ली बाबूजी, हम पिछला जन्म में जरूर बहुत नेक काम कैले हैं, यही से ई जन्म में हमके इनकरा जैसन पति मिले। वाह बेटी वाह, तुहार विचार सुन के हमार मन गदगद हो गई। भगवान तोहरा जैसन बेटी हर आदमी के दे। भगवान तोहरा के खुश रखे, सदा सुहागिन रखे, सदा सुहागिन रखे। जरूर हम पिछला जन्म में कौनो न कौनो अच्छा कर्म कैले हो, यही से हमरा बहू के रूप में हमरा बेटी मिल गई। कुसुम, हमरा समझ में नहीं आवत कि हम तोहर शुक्रिया कैसे अदा करी। आप ऐसा काहे सोचता नहीं? कैसे ना सोची, जौना घर के मान प्रतिष्ठा की रक्षा हमके करे के चाहिए, ओकरा के हम खुदे नीलाम कदले बनी, और आज तू हमरा घर के प्रतिष्ठा के बचौलू। हमरा तो समझे में नहीं आवत कि हम कहां जाके मुंह छुपा। ऐसा मत कही जी, हम कोनो एहसान ना कही नहीं, हम ये घर के बहू हैं, और बहू रहला के नाते खाली अपन कर्तव्य के निर्वाह करनी हो, बस और कुछ ना। काश हम अपने कर्तव्य के निर्वाह कर पाती। बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। कम से कम देवर जी के अपन गलती का एहसास तो भाई। खाली एहसास कैला से का होई दीदी, हम तो आज भी उनके खातिर पराये बानी। पागल कहीं के, जब सावित्री अपना पति का प्राण यमराज से छीन के लेके आ सकेली, तई सहरी का औकात जे तोरा पति के तोह से छीन सके। अरे हाँ, कल ना तीज का त्योहार है, तू खूब मन से भोले बाबा के मनैया, उ तोहार सुहाग तोहरा के जरूर लौटा दी हन। अब चला हजरता, हाँ? जा तैयारी करा, जा। डाली, माई से माफी मांगा, माई से माफी मांगा। सिस्टर, 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 ओपन द डोर सिस्टर। क्यों हंस रहे हो? अरे तुम सुनोगी तो तुम भी हंसोगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे राजा को तुमसे छीनने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। इन बेवकूफों को ये भी नहीं मालूम कि तुमको राजा नहीं सिर्फ मनी चाहिए, मनी। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अरे वो क्या बोलते हैं गांव में, तीज। तीज तुम्हारी सौतन है ना कुसुम, वो राजा को पाने के लिए तीज का व्रत रख रही है। इससे क्या होगा? अरे सिस्टर, उन लोग का मानना है कि व्रत रखने से बहुत शक्ति आएगी और शंकर भगवान खुश हो जाएंगे, तुमसे राजा को छीन के कुसुम को दे देंगे। बेवकूफ लोग। दीदी, ये साड़ी कैसन बा? अच्छा बात। सुनिए, I'm sorry. मशीन नट,
जा। मैं भी तीज व्रत करूंगी। तीज व्रत? जी। अरे तीज व्रत कल को ना तोता उड़ावल काम ना हो, जे आइलू पिंजरा खोलू आ तोता हो गेल पुर। तू शहर का लड़की लोग का जनबू हो कि तीज कैसे कैल जाला। जा अपन काम करा जा। क्यों? काहे से कि तीज व्रत में ही छोट छोट कपड़ा उतार के साड़ी पहने के पड़ेला। मैं पहनूंगी। अरे इतना आसान काम ना होला। तीज व्रत में पूरा एक दिन और एक रात भूखे पेट रहे के पड़ेला और तोरा से तो एक मिनट भूख बर्दाश्त ना होला। तू कैसे रहू तीज व्रत? है रह लूंगी। दीदी इनकरा के तो गोबर से घृणा आवेला ना। हाँ इका भूखियन तीज के व्रत। तीज में तो पूरा घर के गोबर से लीपे के पड़ेला, उहो अपना हाथ से। मैं लीपूंगी। ठीक बा, तो काल हम जोन जोन कहब वैसे वैसे कह लिया। जी भाई। यस बहना तो सही एक्टिंग कर रही है भाई। यस ब्रदर। रवा देवता ना पत्थर है पत्थर। लकी भैया अरे आप आ गए। आप जल्दी अंदर आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। प्लीज जल्दी आइए। कुसुम का ड्रामा होता हा? का जब पंचायत में एक बार फैसला हो गईल तई खाना पीना छोड़ के का साबित कर जा तरू। ये सब खाना पीना छोड़ला से कुछ होके वाला नहीं के। अब चल जो, खाए के बाद तो खो नहीं तो मत खो। और ये तुहार टीडीएस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड। अब खरा खरा मौका देखा तुम्हारा, जा बैंक से सारा पैसा निकाल के लिया हुआ आ सीधे बहू के हाथ में दे दे। और हाँ ओकरा बात तू कही चल जा, कौनो बात का चिंता नहीं की। और हाँ हमरा कहे से तू इतना दिन रुक गईला ओकरे खातिर धन्यवाद। बाबूजी वैसे भी देवर जी
रउआ के तो हीरोइन जैसन बेहरा चाहत रहल ना। देखी भगवान राउत सुन लेलन और रउआ के तो हीरोइन दे देलन। हाँ बेटा हम हो एकदम ठीक बानी। डॉक्टर कहना है कि कोनो दिक्कत ना है, अब तू बेफिक्र होके जा सकेला। बाबूजी हमसे गलती हो गई बाबूजी, हम कहीं ना जाए बाबूजी, उनके बाप कर दी। तू का समझेला क्यों तोहरा से प्यार करेली? का बोला? अरे उधर तोरा पैसा से प्यार करेली। सुना जा पूरा पैसा निकाल के ओकरे हाथ में दे दा, फिर देखा पैसे के कमाल। हाँ जा। हाँ बाबूजी। जैकी यस चलो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी बहना, हटकर राजा को दे जाना है पैसा, लेके यहाँ से निकल जाना है। खुशखबरी है बहना, राजा को कुसुम से प्यार हो गया है। अब पैसा तुम्हारे पास खुद ब खुद चलकर कदमों में आने वाला है बहना। नहीं भैया, मुझे पैसा नहीं, राजा चाहिए। ये क्या बोल रही हो बहना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे राजा से प्यार हो गया है। क्या? अगर दौलत रहेगी बहना तो ऐसे सैकड़ों राजा तुम्हारे कदमों में होंगे। माई हम ठीक बनी। राजा ई बैग ओकरा के दे दा जे एकर मालकिन हा। सुनिए, इसकी मालकिन मैं नहीं कुसुम है, इसे ले जाकर कुसुम को दे दीजिए। हाँ एकर मालकिन कुसुम बा, लेकिन एकर जरूरत तोरा के ज्यादा बा। बैग ला और जाए यहाँ से। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाए। राजा सावना भी पूरा नहीं के भाई, जा जाके जमीन जायदाद के कागज लेके आवा, तब जाके सौदा पूरा हुई। मैं राजा के लिए दुनिया की सारी दौलत को ठोकर मारती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ राजा चाहिए। चलिए राजा। हम तोरा साथ ना जाए। क्यों? काहे से कि अब हम कुसुम से प्यार करी ले। रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। कल तक तो आप मुझसे प्यार करते थे और आज आज आपको कुसुम से प्यार हो गया है। तब कहाँ गया था ये प्यार जब भरी पंचायत में आपने मुझे अपने पत्नी होने का दर्जा दिया था। आप चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए, अभी सरपंच जी भी यही मौजूद है। कह दीजिए कि आप इनके फैसले को नहीं मानते। राजा, पंचायत के फैसला तो के माने के पड़ी। सरपंच जी दया करी। हमरे बेटा के बच जाई थी, नहीं तो हमारे बेरारू मर जाई। सरपंच जी, हमरे राजा के हमरा से दूर मत करी। दीन दयाल जी, हम मजबूर बानी, पंचायत के फैसला अटल बा। राजा कल सुबह तो के डॉली के संगे जाए के पड़ी, वरना अंजाम बुरा हो। चला पंच लो। माफ कर दे। बहुत मजबूर बानी अब। Thank you.
उठो बहन, मत रो, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि मैं यहाँ पैसों के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। मैं राजा से सच्चा प्यार करने लगी हूँ और अपने प्यार में स्वार्थी होके एक परिवार से उनके बेटे को छीनने जा रही थी, एक पत्नी से उसके पति को छीनने जा रही थी। राजा, मैं आपके शरीर को ले जाके क्या करती? आप आत्मा और दिल से तो कुसुम के हो चुके हैं। मैं आप सबके गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, आज मुझे जी भर के रो लेने दीजिए। Oh, my God.